मालदीव्स का जो राजनीतिक संकट है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मालदीव्स के जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं अब्दुल यामीन, उन्होंने इंडिया को एक तरीके से स्नब किया है, लेकिन जो पुराने नेता हैं मालदीव्स के वो भारत से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत इंटरवीन करे और वहाँ पर लोकतंत्र बहाल करवाए। इस मामले में मालदीव्स के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जमील अहमद ने क्विंट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, लेकिन इस पूरे मामले को समझते हैं हम जसकीरा से। जसकी, क्या लेटेस्ट क्या है इसमें? लेटेस्ट ये है कि चाइना ने दबाव डालना शुरू कर दिया है, पब्लिक में स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कल सुबह चाइना ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि इंडिया किसी भी तरह से इंटरवीन करे। हम सब जानते हैं 30 साल पहले क्या हुआ था, इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया था। लेकिन ये बात जानना सबसे ज़रूरी है कि उस टाइम हमने उनके प्रेसिडेंट के बुलावे पे, उनके इनविटेशन पे जाके इंटरव्यू किया था। इस बार ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया प्लीज़ आके हमारी हेल्प कीजिए, यहाँ पर एक डेमोक्रेसी जो है उसकी तौहीन हो रही है, उसको वायलेट किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि चाइना कह रहा है कि दे आर इन टच विद इंडिया, मीन्स न्यू दिल्ली से चाइना की बातचीत चल रही है कि मालदीव में जो क्राइसिस है उसको कैसे सुलझाया जाए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मालदीव जो छोटा सा एक मतलब 5-8 लाख की पॉपुलेशन का जो देश है वो इतना फ्लैश पॉइंट बन गया कि चाइना और इंडिया अभी इन टच है। सुबह ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई है उसमें भी मालदीव उठा था। तो ये एक छोटे से आइलैंड का जो इंटरनल इशू चल रहा है वो अभी चाइना, इंडिया, US ये तीनों इन तीनों देशों में अभी बातचीत चल रही है इसके ऊपर। और मालदीव्स के किसी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर ने, डॉक्टर जमील जिनका हम बात कर रहे थे, किसी भी इंडियन मीडिया हाउस से सिर्फ क्विंट से बात की है। वो पूरी बातचीत आप सुन सकते हैं क्विंट हिंदी पर लॉग इन कर। कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक और यहाँ तक कि ट्विटर पर भी बहुत एक्टिव नजर आते हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ रहा है। तो क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है राहुल की इस इमेज बिल्डिंग के बारे में। मयंक जी, क्या है वो थ्योरी? बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग या ब्रांड रिकॉल बढ़ान कैसे बढ़ाया जाए, इस पर एक थ्योरी है कि निगेटिव या पॉजिटिव फोर्सेस दोनों उस पर काम करते हैं। तो इसमें संजय जी के लेख की मूल बात यह है कि निगेटिव पब्लिसिटी जिस कॉर्नर से आ रही है, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उससे ब्रांड रिकॉल जो ज़मीन पे थोड़ा सा धूमिल था वो हाल के दिनों में ब्रांड रिकॉल बढ़ा है। तो मतलब कि अनजाने में ही सही मोदी जी राहुल की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसे पूरा पढ़ने के लिए आप लॉग इन कीजिए क्विंट हिंदी पर। कार और बाइक्स का मेला यानी ऑटो एक्सपो जो ग्रेटर नोएडा में चल रहा है वो आज से पब्लिक के लिए शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले 2 दिन मीडिया के लिए थे। चुनिंदा खुशकिस्मत लोग उस दौरान वहां घूमने गए, तो उनमें शादाब भी एक थे। तो शादाब, अपने 2 दिन तक जो स्पेशल कवरेज ऑटो एक्सपो की हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए। उसमें कार और बाइक्स तो हमने देखा ही, जिस तरह स्विफ्ट ने अपनी नई लेटेस्ट स्विफ्ट लॉन्च की है एकदम नए अंदाज में, किया मोटर्स जो है इंडिया में पहली बार आई है उस, और इस एक्सपो में हमें इलेक्ट्रिक सुपर इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिली जो पहली बार इंडिया में इंडियन मेकर्स थे ये बनाने वाले। और लेकिन इन सब के बाद हमें उसमें देखने को मिला शाहरुख खान, सोनाक्षी सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, जॉन अब्राहम, ये सारे लोग, क्रिकेटर से लेकर सितारे, सभी का जमावड़ा था वहाँ। यानी कारों के साथ सितारे भी थे। तो आपको ऑटो एक्सपो से जुड़े ये सारे रंग जो है वो क्विंट हिंदी पर मिलेंगे, लॉग इन कीजिए। हाल में हुए बाई इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को बम्पर जीत दिलाकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट चर्चा में हैं। सचिन ने क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया को एक खास इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की इलेक्शन विनिंग मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है। सचिन ने इस बारे में भी बात की कि कैसे अगले लोकसभा चुनावों के लिए ऑपोजिशन का एक रेनबो कोएलिशन बनेगा जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। भारत का आने वाले दिनों का पॉलिटिकल मैप समझने के लिए आप जरूर देखिए यह इंटरव्यू। कल क्रिकेट का सुपर सैटरडे है। भारत की मेन और विमेन दोनों टीमें साउथ अफ्रीका से भिड़ेंगी। विराट के लड़के चाहेंगे कि वो 4-0 से सीरीज में बढ़त बढ़ाएं, वहीं लड़कियां चाहेंगी कि वो 3-0 के वाइट वॉश के जरिए साउथ अफ्रीका को उसके घर में ही शिकस्त दें। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन आखिरकार रिलीज हो गई है। ये फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथन नाम के एक शख्स की असल जिंदगी पर आधारित है जिन्होंने सैनिटरी पैड बनाकर गांव देहात में रहने वाली लाखों करोड़ों महिलाओं की मदद की थी।
YouTube पर इस फिल्म के ट्रेलर ने काफी लाइक्स बटोरे, लेकिन आपको सिनेमा घर में टिकट खरीद कर ये फिल्म देखनी है या नहीं, ये जानने के लिए क्विंट पर लॉगिन कीजिए और पढ़िए स्तुति घोष का रिव्यू।